सवाल नंबर एक, कैसे लीक हुई रिपोर्ट? सवाल नंबर दो, गोपनीयता क्यों नहीं बरती गई? इन दो सवालों के इर्द गिर्द ही सीबीआई का केस सुप्रीम कोर्ट में घूमता रहा। सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने जब सुनवाई शुरू की तो सबसे पहले सवाल लीक रिपोर्ट पर उठे। सीवीसी की रिपोर्ट के बाद आलोक वर्मा ने जो जवाब अदालत को दिया वो लीक हुए तो मुख्य न्यायाधीश ने खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने वर्मा का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन से पूछा कि मीडिया में रिपोर्ट कैसे लीक हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नाराजगी जताते हुए फली एस नरीमन को कहा, आप वरिष्ठ वकील होने की हैसियत से कुछ रिपोर्ट पढ़ें। तब नरीमन ने कहा कि हमने पूरी रात रिपोर्ट पर काम किया। चंद सवालों और जवाबों के बीच 15 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी, लेकिन नरीमन के निवेदन पर दोबारा अदालत ने उनका पक्ष सुना। चीफ जस्टिस ने तल्ख लहजा अपनाते हुए नरीमन को सीवीसी की रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट की कॉपी लौटा दी। अदालत ने कहा कि संवेदनशील मामलों में सर्वोच्च गोपनीयता बरती जानी चाहिए, संस्थानों का सम्मान और उनकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जवाब में नरीमन ने कहा कि मुझे कोर्ट में 67 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं हुई, इतना अपसेट कभी नहीं हुआ। अब 29 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। उम्मीद है कि महीने भर से चल रहे सीबीआई के अंदरूनी घमासान पर विराम लग जाएगा।